राजपार्क थाना पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद। दिल्ली पुलिस ने आज 11:34 पर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि 16 अगस्त 2021 को पुलिस को एक घर में चोरी की PCR कॉल मिली थी, जिसमें राजपार्क थाना से IO हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, उनके साथ में कांस्टेबल योगेश कुमार वहां तुरंत मौके पर पहुंचे थे। घटना गली नंबर 4 हाउस नंबर 252 की थी। रतन विहार किराड़ी के अंतर्गत यह एरिया आता है। उसके बाद शिकायतकर्ता वहां पर धीरेंद्र कुमार शर्मा थे। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त 2021 से वह फैमिली के साथ UP में अपने नेटिव पैलेस गए थे और 16 अगस्त 2021 को जब वह 11 बजे रात के वक्त अपने घर पर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ था और उसके घर की अलमारियां भी टूटी हुई थी और उसके अंदर से जो घर के गहने थे, जिसमें सोना और चांदी के गहने और कुछ दूसरा सामान था, वह सब गायब मिला, जिसमें 12 पेयर्स एंकल्स की थी और जो वेस्ट रिंग सिल्वर थे, साथ में एक 4 गोल्ड रिंग्स थी, एक टीका, एक नोज रिंग, एक ईयर रिंग, 4 रिस्ट वॉच और भी कुछ कैश भी था, जिसमें 10 से 12 हज़ार रुपये थे। वह सब चोरी हुआ मिला। पुलिस ने तुरंत टीम का गठन किया और पुलिस टीम उसी पर काम कर रही थी। आसपास के CCTV कैमरों को खंगाला गया और एरिया के एक घोषित बैड करेक्टर तारुल की पहचान उस CCTV के माध्यम से हुई, क्योंकि CCTV आसपास के क्षेत्र में लगे हुए थे, उस घर में नहीं लगे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने उसकी सर्चिंग शुरू की। आसपास के थाना क्षेत्रों में भी उसकी सर्चिंग शुरू की गई। आखिरकार 19 सितंबर 2021 को पुलिस को एक इनपुट मिला कि जो आरोपी है तारुल, वह जो कि झुग्गी नंबर 42 सुल्तानपुरी का ही रहने वाला है, F49 का, और वह HGI लेबर कॉलोनी के पास में, जहाँ की पास में भल्ला फैक्ट्री है सुल्तानपुरी के अंदर, वहाँ पर घूम रहा है। तुरंत पुलिस टीम का गठन किया गया, मौके से उसे पकड़ लिया गया। साथ में उसके 2 साथी भी पकड़े गए, जिसमें दीपक उर्फ लंगड़ा और उसके साथ में उसका दूसरा साथी पवन सुपुत्र राजेंद्र, जो कि झुग्गी नंबर 163 सुल्तानपुरी का ही रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और तीनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इन तीनों के पास से 5 पेयर्स एंकल्स की और 12 पेयर्स चुटकीज, एक सिल्वर चेन, एक वेस्ट रिंग, 4 रिंग्स, इस तरह से काफ़ी सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी ये कई चोरी के मामलों में शामिल रहे हैं। फिलहाल राजपार्क थाना पुलिस बाकी भी इनसे पूछताछ कर रही है कि इन्होंने और कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है।